सब बोलिन दे यार हमरे बोले परे कुछ मत झिंगोर पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन सभी साथी आप सबका अभिवादन आप सबको प्रणाम। पंचायत चुनाव सन्निकट है, महापर्व चल रहा है सब लोकतंत्र का, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जिसके आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं और हर 5 साल पे आपको इसकी सूचना भी मिलती रहती है। जब भी अध्यक्ष पद का चुनाव होता है जिला पंचायत तो अपने जिला में इस तरह के गठबंधन हो तो कि पूरी धरती पर नहीं हो। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि सपा बसपा भाजपा कांग्रेस और जितने दल है सब लखिया के एक साथ और जिला के सारे नेता और आपसे चुनाव लड़ते हैं अध्यक्ष पद का, किस लिए कि अध्यक्ष पद कुंडा या बाबागंज में न जा पाओ, सफल नहीं हो पाते। आपके दिए हुए बल और शक्ति के कारण यह संभव हो पाता है कि उनको सबको पटकनी देकर के अध्यक्ष आपका होता है। और कारण क्या है पूछा देखो, और कारण यह है कि जिला पंचायत विकास की सबसे बड़ी संस्था है और जिला पंचायत में जो धनराशि विकास के लिए आती है होगा तो वही जो अध्यक्ष प्रस्ताव जिसपे दस्तखत करेंगे जो बोर्ड कहेगा, तो 60% धन सिर्फ कुंडा और बाबागंज में आता है, बाकी अन्य 5 विधानसभाओं में 40% में काम चला दिया जाता है। यही कारण है कि आपका विरोध करता है कि साहब अध्यक्ष ही वहां न जाए। हमारा सबका दायित्व है कि विकास की ये धारा ये अविरल गंगा जो बह रही है ये इसी प्रकार से बहती रहे, क्योंकि प्रत्याशी हो चाहे गांव के सम्मानित मतदाता हो एक बात दोनों में सामान्य है कि हर व्यक्ति चाहता है हमारे गांव में विकास हो, नई योजनाएं आए, उन्नति हो, प्रगति हो, और ये तभी संभव है जब आपका अपना बोर्ड होगा, आपका अपना अध्यक्ष होगा। उसके लिए आपको अपने बीच के साथी संजय को आशीर्वाद देकर के जीता करके आप देखे हो ये कि जिला पंचायत के चुनाव में नामांकन ढेर जाने कह दिए हैं, चुनाव आए अधिकार आए चले करें ढेर जाने तो ये भले कह दिए हैं कि आप निर्विरोध न हो जाए, लेकिन कोई प्रत्याशी अगर आपको मिले आप उससे एक प्रश्न करिए कि मान ले तो काम जितायु दे तो कहा अध्यक्ष बना हुआ कहतीत में वोट बना लेगा कि बिकाऊ माल की तरह टहलेंगे अपना अपनी बोली लगवाते हुए, जिसने सबसे ज्यादा धन दिया उसके हाथों बिक जाने के अलावा जो फुटकर सदस्य आ गई यदि कोई जीतता भी है उसका तो लाभ हो सकता है उसको 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन क्षेत्र का कोई लाभ नहीं होना। क्षेत्र का लाभ तभी होगा जब आपका अपना अध्यक्ष होगा, आपका अपना बोर्ड बनेगा। अमरावती 20-25 मिनट लगेगा, उसके बाद विंदेश्वरी प्रसाद पटेल, उसके बाद कमला देवी सरोज, उसके बाद उमा शंकर यादव, इन चारों अध्यक्षों के कार्यकाल में 60% धन सिर्फ कुंडा और बाबागंज को दिया गया है। इस पे अवश्य आपको विचार करना है, विकास की इस धारा को इसी तरह से ये अनवरत बहती रहे इसके लिए संजय को आशीर्वाद दीजिए। क्रेन के निशान पर इनको मोहर लगा करके और बिकाऊ माल नहीं एक टिकाऊ साथी चुनिए जो आपके साथ। राजा भैया 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 भ